सरकार
और उसको हम भारी संख्या में चलते और भारत चलते शिक्षा के अंदर इतना बढ़िया काम कर रही है और गरीबों के लिए तनख्वाह बढ़ा रही है, गरीबों को जो बिजली के बिल माफ किए हैं, पानी के अंदर बिल माफ किए हैं, एक एक गरीब आदमी को बता रहा है। सोशल मीडिया का भी पूरा सहयोग मिल रहा है, पूरा सोशल मीडिया के अंदर भी आदमी अभी नहीं चलाना है, क्योंकि इतना भारी निर्णय हुआ है, इतना बड़ा निर्णय लिया गया है दिल्ली सरकार द्वारा, एक टीवी चैनल बना दिखा रहा है, एक टीवी चैनल बना दिखा रहा है, कई बहनों, कई आगे खड़े, कई लोग, कई जो बहने हैं, मैं देख रहा हूँ नंगे पैर वहां से चलते आए हैं। कितने जोश के साथ और जो है अपनी ताकत के साथ आज ये बच्चे अपने हॉस्पिटल में जाइएगा और वहां पर लोगों की सेवा करिएगा, तन मन धन से आप मरीजों का ध्यान रखिएगा और हम आपका ध्यान, हम आपके साथ हैं, हम आपके भाई हैं, आपके साथ हैं, सहयोगी हैं। डॉक्टर भावना जी, नाम भी भावना है आपका, तो भावना कभी होनी चाहिए, ठीक है, पर भावना जो है अपनी मौत की अपनी गुजारा होता है, तो उसके लिए पर काफी सारे लोग हैं, रेलवे वाला का तो कहना ख्याल करूँ, मेट्रो का तो पुलर होता है ना, मजबूत पुलर, बीस साल से सेवा कर रही है, बीस साल से सौरव जी हमारे बीच में हाथ खड़ा है, करते हैं सर बताए, सौरव जी का एक बार पानी बढ़ा के राजकुमार सौरव जी उनसे तो कहने के आए हुई, ये तो किसान यूनियन का भारी दिल्ली के एरिया में भी ज्यादा कल्याण मुझे पहले से जानते हैं, कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है, उनके गांव में एक बार दरार आया था, उसी तरह से जानते हैं, हम सारे इनके गांव में रिश्तेदार हूँ, नाते बहुत सारे और उनके लिए तो जोरदार ताली लगाया था, और हम माननीय मंत्री जी का पांच से हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, पूरी सरकार का धन्यवाद करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, तो मैं बार बार जब मैसेज लिखा था मुख्यमंत्री जी से मेरी लगातार बातचीत हो रही है, सरकार आपके साथ बैठती है, सरकार आपके साथ है, आपको अच्छी तरह अच्छे बुरे का सत्य ज्ञान है, एक बार सरकार ने सम्मान काम और सम्मान तबका के लिए आपने सरकार में एल डी साहब के पास लिखकर देखा, आपको क्रोध बना के देखा,
माल के ऊपर माननीय मंत्री जी के लेकर ताली लगा। इसके बाद जब नहीं हुआ एलटी साहब ने हमारी फाइल को लौटा दिया। हमारे कुछ साथियों के ऊपर पुलिस के भी केस बने। पहले एलटी साहब की जो दादागिरी वो की उसके हम घोर निंदा करते हैं। घोर निंदा करते हैं कि ऐसे बच्चे को हेल्थ में काम कर रहे हैं उनके ऊपर लाठी डंडे चढ़वाना, उनके ऊपर केस बनवाना वो कतई सोचा नहीं होता। और हम इस बारे में एलटी साहब से जाकर बात भी करेंगे। जिन जिन युवाओं के ऊपर केस बने उनके केस वापस लिए जाए। लोकतंत्र है, हिंदुस्तान है, वहां पर अपनी बात रखने का, इकट्ठा होने का, सबको बराबर का बोलने का अधिकार दिया गया। ये हमारे अधिकारों का हमें मिला है। फिर अब की बात बनाने से दिल्ली सरकार ने आप लोगों की डिमांड के ऊपर जो हम पर्चा लेके गए थे उस पर्चे से भी बढ़ के पूरे लोगों को, उन लोगों को भी जो हमारे आंदोलन को तोड़ के चले गए थे, हमने उनका भी ध्यान रखा। परंतु वो हमारे साथियों हमारी टीम का हिस्सा रहे हैं, हम उन सबका भी अनुसरण कर बुला रहे हैं। एक बार जोरदार जोर छोर के बाद से